चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जहां ऑल इंडिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तीसरा रैंक हासिल हुआ, तो वहीं पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी में सीयू 800वें नंबर पर रही। इस कामयाबी को लेकर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम संधू ने एएनबी न्यूज़ से खास बातचीत की। एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव हमें पंजाब से देखने को मिल रहा है। ऑल इंडिया अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 21वां रैंक हासिल किया है, पर इससे एक और बड़ा काम हासिल किया है कि पूरे विश्व में 800वां रैंक हासिल किया है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम संधू हमारे साथ, पहले उनसे ही बात करते हैं। तो साहब, एक बहुत छोटे से समय में वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी पंजाब में हमें एक और देखने को मिल रही है, तो पहले पूछें सर, क्या अलग रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हमें ये मकाम देखने को मिला? देखो, किसी भी अचीवमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं उस इंस्टीट्यूशन की जो रणनीति है, जो उसका विज़न मिशन है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही है, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जब स्थापित हुई तो हमारे सामने चुनौती थी कि हम नए हैं और नई संस्था की क्या इसको हमने नए होने की कमजोरी बनानी या स्ट्रेंथ बनानी। तो हमने बैठ के फैसला किया कि हम इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे, ना कि कमजोरी, कि लोग समझे कि ये नई संस्था है। हम नई संस्था की भाई मॉडर्न न्यू एज बनाए, और हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हमने अपना जब सिस्टम डिज़ाइन करना था पूरा का पूरा, तो हमने ज़ीरो से डिज़ाइन किया और हमने पूरे का पूरा जो सिस्टम था वो जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से बना लिया, और उस पर काम करते रहे, और उस पर काम करते करते आज रिज़ल्ट आपके सामने है। यूनिवर्सिटी मतलब अपने आप में वर्ल्ड रैंकिंग, अब देखो वर्ल्ड की यंगेस्ट यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड में पूरी दुनिया में यंगेस्ट यूनिवर्सिटी जिसने के उस रैंकिंग में ये पोजीशन हासिल की है। देश में थर्ड पोजीशन है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ओवरऑल, जैसे 21 आपने बताया। लेकिन इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट होती प्लेसमेंट स्टूडेंट्स के लिए, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की विश्व रैंकिंग में 310 परसेप्शन है हमारी, 310 यूनिवर्सिटीज़ में हम रैंक कर रहे हैं एम्प्लॉयर रेपुटेशन में। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के रैंक से ज़्यादा पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि प्लेसमेंट क्या है। सीधे तौर पर हम कहेंगे कि पेरेंट्स की सीधी प्रेफरेंस ये होती है, बच्चों की प्रेफरेंस, क्या यूनिवर्सिटी हमें जॉब दिला पाएगी, क्या हमें लेवल के लिए तैयार कर पाएगी। और शायद ये एक फैक्टर ज़्यादा अहमियत रखता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 300 रैंक एम्प्लॉयमेंट में, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट हम कह सकते हैं। नहीं बिल्कुल जी, देखो बच्चों की एस्पिरेशन में सबसे टॉप जो एस्पिरेशन है वो है करियर, उसकी एम्प्लॉयमेंट प्लेसमेंट। और हमारी जो परसेप्शन आई है एम्प्लॉयर रेपुटेशन की, एम्प्लॉयर रेपुटेशन मीन्स कि बच्चे को प्लेसमेंट तो हुई लेकिन उसके बाद कंपनी में जाके उसने अच्छा परफॉर्म किया, रिटेंशन भी किया और उसने ग्रो भी किया और उसका काम प्रोडक्टिविटी सारा कुछ अच्छा था, और कंपनी ने जब कंपनी को पूछा गया, अब पूरी दुनिया में सर्वे होता है ना, ये हमारा तो नहीं है, और उस सर्वे में उस कंपनी ने बताया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर है। सवाल ये है कि अब हम बात करें, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ ग्रो कर रही हैं और अब हमारे पास इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म लेवल की यूनिवर्सिटीज़ यहीं पर, बच्चों को फिर भी हमारा ब्रेन ड्रेन क्यों देखने वाला, पंजाब के बच्चे क्यों मूव कर रहे हैं जब ऐसी अपॉर्चुनिटी उनको यहाँ पर मिल रही है, फिर क्यों जाना पड़ रहा है उन्हें? देखो दो तरह के हैं ब्रेन ड्रेन, हम मैं उसको मानता हूँ कि जो बच्चे हमारे बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं और जो हार्वर्ड में, स्टैनफोर्ड में या उस लेवल के इंस्टीट्यूशन में जाके बाहर जाके वहाँ सेटल हो रहे हैं, जो बच्चे यहाँ से एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम में छोटे कॉलेज में एडमिशन सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि वहाँ जाके मुझे वर्क परमिट मिल जाए, वहाँ जाके मुझे पीआर मिल जाए, मुझे वहाँ जाके सिटीजनशिप मिल जाए, वहाँ मकसद और है। ब्रेन तो वो भी है, लेकिन जिस ब्रेन ड्रेन की आप जिक्र करें दो चीज़ें मिक्स ना करें। हमारा यूथ बाहर जा रहा है उसके दो रीज़न हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि हमारा यूथ वहाँ जाके वो वहाँ के लाइफस्टाइल से, वहाँ की अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और अट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ जाके सेटल होना चाहता है। और क्वालिटी एजुकेशन में अगर देखेंगे तो इतना भी वो नहीं फ़र्क है कि हमारी, आप देखो हमारी यूनिवर्सिटी रैंक की है, सिर्फ हमारी नहीं की, बाकी भी तो कोई हैं, हम 21वें स्थान पे 20 और भी बैठे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी एजुकेशन सिस्टम बुरा नहीं है, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है, सिस्टम है, ये डिफरेंट है। वेस्टर्न हमारी कंपेयर हम करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, वो कितनी पुरानी नेशन जो उनकी डेवलप हो चुकी हैं, हमारी नेशन अभी गुलामी से भी आज़ाद हुए हैं, अभी हम स्ट्रगल करके आगे पहुँचे हैं, तो बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग हमारी नेशन है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग में हम बात कर लें कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी 10 साल में यहाँ पहुँची है सर, चांसलर हैं, ग्राउंड से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में आपका बहुत रोल रहा है, तो सर खुद पर्सनल कितना इन्फ्लुएंस मानते हैं कि यूनिवर्सिटी का आपकी सोच से रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होता, किसी इंडिविजुअल के साथ को बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि मेरा स्ट्रेटजिक रोल ज़्यादा है यूनिवर्सिटी की रणनीति बनाने में, यूनिवर्सिटी की स्ट्रेटजीज जो प्लान करने में मेरा थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सारी टीम की ज़रूरत है, हम सभी ने मिलकर काम किया है। तो मैं हमेशा समझता हूँ कि कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं करता है, इंस्टीट्यूशन जो होती हैं उसमें सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, सभी का कंट्रीब्यूशन रहा है। सुन साहब,
इसमें लास्ट सवाल मेरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्या एक मेन फैक्टर होता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बोर्ड्स लेके आते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हमारे पास इतने बड़े ऑडिटोरियम्स हैं, क्या ये काफ़ी है उन्हें उस रैंकिंग तक ले जाने के लिए? नहीं, वो मार्केटिंग की बातें हैं कि आपके पास कितना बड़ा कैंपस है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, एयर कंडीशन नहीं है, ये इसेंशियल हैं। ये मतलब ये कोई क्वालिटी पैरामीटर के कोई उसमें एक भी पैरामीटर इंफ्रास्ट्रक्चर का है ही नहीं है। जो वर्ल्ड रैंकिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बुनियादी है, वो तो चाहिए चाहिए, उसकी रैंकिंग क्या है? उसकी रैंकिंग में एक भी पैरामीटर नहीं है। रैंकिंग में पैरामीटर है रिसर्च के, रैंकिंग में पैरामीटर है एम्प्लॉयर रेपुटेशन के, रैंकिंग में पैरामीटर है एकेडमिक रेपुटेशन पे, वो आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे है। आपकी परफॉर्मेंस कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना, कंडीशन और एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो तो बेसिक है, उसकी कोई रैंकिंग से डायरेक्टली लेना देना नहीं। लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करता, वो अपने आप में एक बुनियादी चीज़ है। थैंक यू सर। तो ये था हमारे साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम संधू, एक चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि अगर शुरू से लेकर मेहनत की जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़।